भाई अलिया क्या बताऊं, इस गर्मी के मौसम में मन नहीं लग रहा, पता नहीं लग रहा क्या किया जाए, एकदम बैठे बैठे बोर हो रहे हैं घर में। बात सही कह रहा है कलिया, घर में बैठे बैठे मेरा भी मन नहीं लग रहा है। बाहर इतना कड़ा धूप है कि बाहर निकलते ही हमारी चमड़िया जल जाएगी। इसी कारण से हम लोग घर में बैठे हैं और घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा। मेरे पास एक प्लान है। क्या अलिया, तो भी प्लान की बात कर रहा है? अरे हम बच्चे थोड़ी ना है कि कम प्लान पियेंगे। अरे हम बड़े हो गए हैं, हम तो बियर और देसी शराब मारने लायक हो गए हैं, लेकिन क्या करें, घर वाला पैसा नहीं देता इसके कारण नहीं मारते हैं। तो कम प्लान की बात कर रहा, इसका क्या करेंगे हम? अरे कलिया, मैं कम्प्लान वाली प्लान की बात नहीं कर रहा, मैं आइडिया तरकीब की बात कर रहा हूँ। क्या आइडिया की बात कर रहा है? अरे मैं तो कुछ और ही समझ गया था, मैं सोच रहा था कम्प्लान की बात कर रहा है। अच्छा बताओ बताओ क्या आइडिया है, चलो जल्दी से बताओ, क्योंकि घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा हूँ मैं। देखो कलिया, आइडिया बहुत जबरदस्त है, ध्यान से सुनना ठीक ना। देखो, हमारे कलियापुर में एक गेम सेंटर खुला है, यानी जो जहाँ पे गेम नहीं बहुत सारे होते हैं और जाके पैसा देकर खेलना पड़ता है, वही खेला हुआ है गेम पार्लर। चलो उसी में गेम खेलते हैं, हमारा पूरा दिन भी कट जाएगा, मजा मस्ती भी हो जाएगा और बोर भी नहीं होंगे। वही चलो गेम खेलते हैं, मस्त एकदम माइनक्राफ्ट गेम खेलेंगे। अलिया तूने इतना लेट क्यों बताया? जब तुम्हें पता था कि कलियापुर में गेम पार्लर खुला है तो तूने इतना लेट क्यों बताया? हम घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, जाके एकदम मस्त वहाँ पे खेलते ना गेम, मनोरंजन भी हो जाता, बोर भी नहीं होते और दिन भी कट जाता। चलो गेम पार्लर चलो, वहीं पे गेम खेलेंगे एकदम मस्त माइनक्राफ्ट, चलो। अरे हाँ हाँ कलिया, चल रहे हैं, इतना उतावले क्यों हो रहे हो, चलो चलते हैं, शांति से चलो। ए भैया सुनिए, हमको यहाँ पे गेम खेलना है, यहाँ पे हम गेम खेल सकते हैं? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर तो गेम ही खेला जाता है, और क्या किया जाता है, ये गेम खेलने के लिए ही तो बना है। तुमको क्या लगा यहाँ पे दूसरा कुछ होता है? अरे नहीं बाबू, यहाँ पे सिर्फ गेम ही खेला जाता है, बताओ कौन सा गेम खेलना है? अरे हम गेम खेलेंगे, लेकिन एक बात बताएं, ये गेम पार्लर खोल के आपने बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, क्योंकि इस टाइम पे इतनी गर्मी पड़ रही है कि घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो शरीर पे चमड़ी जली जा रही, इसी कारण से हम लोग रोज दिन आएंगे और गेम खेलेंगे यहीं पे। तो हम लोग परमानेंट कस्टमर हो गए आपका, तो कितना रुपया लीजिएगा एक घंटा गेम खेलने का? देखो बाबू, ऐसे फिक्स नहीं है कि कितना रुपया लगेगा एक घंटा का। तुम जितना महंगा गेम खेलोगे, जितना भारी, जितना वजनदार और जितना हैवी तुम गेम खेलोगे, उतना रुपया लगेगा, उसी हिसाब से घंटा का रुपया लगेगा। क्योंकि अगर तुम GTA 5 खेलते हो तो 100 GB का गेम है, तो उसको स्मूथली और अच्छा से खेलने के लिए उसके लिए तगड़ा PC भी होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए ना तगड़ा, तो इसी कारण से थोड़ा महंगा पैसा लगेगा। अगर तुम छोटा मोटा गेम खेलना है, कोई सा भी हाल जाल, तो उसके लिए कम पैसा लगेगा। तो तुम बताओ पहले कौन सा गेम खेलना है, उसी के हिसाब से ना पैसा लगेगा, बताओ कौन सा गेम खेलना है? अरे हम दोनों माइनक्राफ्ट गेम खेलेंगे, बताओ कितना रुपया लगेगा एक घंटा का? क्या माइनक्राफ्ट गेम खेलना है अभी एक घंटा? अरे इसके लिए पैसा क्या, जाओ 20-20 रुपया दे देना दोनों, जाओ खेल लो। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है हम जा रहे हैं, खेल लेते हैं, एक घंटा पूरे खेलेंगे एकदम मजा मस्ती करते हुए, बीच में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए खेलते समय, ठीक ना? अरे हाँ हाँ जाओ जाओ गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं होगा, जाओ जाओ एकदम चिल मार के गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे चलो जल्दी से वर्ल्ड बनाते हैं, रहा नहीं चाह रहा, यहाँ पर मारते हैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड, फटाक से वर्ल्ड बनाते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का हम लोग नाम रखेंगे लाफिंग का किंग। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लाफिंग का किंग इस वर्ल्ड का नाम रखेंगे। तो जल्दी से हम लोग लाफिंग का किंग नाम रखते हैं और फटाक से करते हैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड। यहाँ पर कुछ सेकंड लगेगा वर्ल्ड को लोड होने में, तब हम लोग वर्ल्ड को लोड हो जाने देते हैं, तभी ना मजा करेंगे दोस्तों। घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, यहाँ पर गेम खेल के मजा मस्ती करेंगे। चलो हमारा वर्ल्ड लोड हो चुका है। ओ भाई बहुत ही प्यारा वर्ल्ड मिला है, वाह क्या ही देखने में दृश्य है, निकल रहा है मेरा चकरकुट भाई, कहना नहीं है सब डिब्बा डिब्बा है, बोला जाता है गेम बहुत पॉपुलर है, मैंने भी खेल कर देख रहा हूँ भाई, सामने की साइड पर लकड़ी है,
हमें लकड़ी काट कर जल्दी से अपना टोल बनाना होगा, नहीं तो यहाँ पर बोला जाता है कि अरे भाई कितना बड़ा रवीन है, अभी तो मैं गिरता तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाती। ये ट्री है यहाँ पर, जल्दी से हम लोग पेड़ काटते हैं तभी ना हम अपना टोल बना पाएंगे। लड़ने के लिए हथियार दोस्तों, जल्दी से काटते हैं। अरे भाई सामने के साइड पे तो विलेज है, ओ अपना टोल बना के जल्दी से निकलते हैं विलेज के साइड पे। भाई एकदम मैं 200 के स्पीड में विलेज। अरे भाई यहाँ पर तो रुइंड पोर्टल भी है, मज़ा ही आ गया रुइंड पोर्टल को देख के। यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है, गोल्ड ब्लॉक होता था बट अभी नहीं है भाई, गोल्ड ब्लॉक माइनक्राफ्ट वालों ने खा गया। अरे यहाँ पर चेस्ट में भाई कुछ नहीं है, एक खॉब है बस, दो ऑब्सिडियन कुछ फायर चार्ज है, इसको उठा लेते हैं। अरे यहाँ पर तो कुछ नहीं है, हम लोग चलते हैं विलेज में। ए बाबू गेम बंद करो, तुम्हारा 1 घंटा हो गया, जल्दी यहाँ से निकलो और पैसा देकर। अरे हाँ हाँ निकल रहे हैं निकल रहे हैं, आउटरो दे देने दो। दोस्तों ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब कीजिए कहीं नहीं जाइएगा और घंटा भी दबाइएगा। अगर आपको ये वीडियो से अच्छा गेम लगा होगा तो मैं गेम प्ले वीडियो भी बनाता हूँ जो मेरा सेकंड चैनल पे अपलोड होता है, अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल पे आपको अच्छे अच्छे गेम प्ले वीडियो देखने को मिल जाएंगे, वो भी माइनक्राफ्ट का कमेंट्री के साथ, एकदम मजा आ जाएगा देखने में। तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, समझ गया ना।